नेक्स्ट हमारे साथ जो आता है मैसेरेशन का, वो है मल्टीपल और डबल मैसेरेशन। जैसे नाम को आपको जो है वो मोस्टली ज़ाहिर हो जाता है कि मल्टीपल और डबल मैसेरेशन हमारे साथ, मतलब मैसेरेशन प्रोसेस को टू टाइम्स करना। कैसे करेंगे आगे जाकर पढ़ते हैं। अच्छा, मल्टीपल मैसेरेशन जो है इफ़ेक्टिव मेथड होता है, इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। बेसिक एम इसका क्या है, जो हमारे साथ मार्क में जो वेज था, जो आपने पाउडर लिया है ठीक है ड्रग का, उससे आपने जितना मेंस्ट्रम में वो निकलना था वो निकल गया, उसके बाद जो आपके साथ जो पाउडर रह गया है उस पाउच के अंदर, जब ये इससे पहले हमने मैसेरेशन प्रोसेस पढ़ा था, उस पाउच के अंदर जो हमारे साथ जो मटेरियल रह गया उसे हम मार्क कहते हैं ठीक है। उस मार्क को फिर से मेंस्ट्रम में डिप करना, और अगर उसमें कुछ ना कुछ फिर से रह गया है मटेरियल रह गया, एपीआई रह गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो उसके जो है वो और भी हम उसे रिमूव कर ले, और टोटली उस मार्क से हमारे साथ जितने एपीआई है वो हमें मिल जाए। जैसे इसका प्रोसीजर जो है हमारे साथ ड्रग्स आर ट्रिचुरेट टू फाइन पाउडर, उसी तरह आपने क्या करना है, जैसे सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस में हम करते थे, तो इसका भी उसी तरह प्रोसेस है। थोड़ी बहुत चेंजेस है इसमें, सिर्फ आपने ड्रग को जो है सबसे पहले ट्रिचुरेट करना है मोटर एम्पेस्टर में, और उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। फिर इसे जो है पोरस क्लॉथ में जो है इस ड्रग को रखना है, और फिर सुटेबल मेंस्ट्रम जो है वो सिलेक्ट करें। सुटेबल मेंस्ट्रम मतलब वाटर को हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करेंगे ठीक है। अल्कोहल वगैरह को भी सिलेक्ट किया जाता है, बट आई प्रेफर अ वाटर। द मेंस्ट्रम इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शन, ए एंड बी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा प्रोसीजर जो है वो हमारे साथ चेंज हो जाता है। आपने मेंस्ट्रम को क्या करना है, दो में डिवाइड करना है, मतलब एक बीकर में अलग और दूसरे बीकर में आपने अलग लेना है। एक को आप ए नाम दे दे, दूसरे को आप बी नाम दे दे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 to 14 days के लिए जो आपने जो प्रोसीजर था हमारे साथ मैसेरेशन था, उसी तरह इस पाउच को है डिप करना है, सस्पेंड करना है मेंस्ट्रम ए में जो एक पोर्शन आपने लिए था, सही है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जब वो मेंस्ट्रम ए में आपके साथ जो है डिप होगा, पीरियड ऑफ टाइम उसका गुजरेगा 14 days, 2 to 14 days के बीच में, या 14 days के बाद आपका जो है ये टाइम गुजरने लगेगा, उसके बाद आपने इसे रिमूव करना है उस पाउच को ठीक है, और जो मेंस्ट्रम ए है उसे अलग से रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपका पाउच था जो आपने मेंस्ट्रम ए से निकाला था, उसे फिर से आपने मेंस्ट्रम बी में, जो मेंस्ट्रम का आपने सेकंड पार्ट अलग रखा हुआ था, उस बीकर में, बीकर बी में आपने उसे डिप कर देना है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वही 2 to 14 days तक ठीक है। जब आप इसमें डिप कर दोगे और स्पेसिफिक टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद आपने इस पाउच को रिमूव करना है, और जो मेंस्ट्रम ए था हमारे साथ ठीक, जो जिसमें हमने पाउच पहले डिप किया होता वो, और ये जो बी वाला, इन दोनों को आपने लेना है और मिक्स करना है ठीक। इन दोनों को लेकर मिक्स करना है, और फिर इसका वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट करना है अप टू 1000 ml तक आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें जो मेन मकसद ये है कि हमारे साथ मल्टीपल मेसरेशन या डबल मेसरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से हमें पता चलता है कि हम इसे दो मरतबा मेसरेशन के प्रोसेस को दो मरतबा जो है वो रिपीट किया जाता है। थैंक यू।